नमस्ते किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। आप देख रहे हैं एसकेएन एग्रो न्यूज़, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्रीकल्चर वीडियो। इसके अंदर हम दो स्प्रे मशीन है हमारे पास, यहाँ आप सामने देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या बेनिफिट है, कौन सा किसान को ख़रीदना चाहिए या यूज़ करने पर कौन सा अच्छा रहता है, तो मैं दोनों के स्पेसिफिकेशन और रिव्यू आपके सामने करता हूँ। आपको कौन सा अच्छा लगता है फिर आप वीडियो देखने के बाद स्वयं पता लगा के कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जो आप इंजन वाला जो मशीन देख रहे हैं इसका वेट है 11 किलो मशीन का वेट है, और 20 लीटर का इसका टैंक है, यानी 31 kg का ये है। तो इसके अंदर 1 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे इसके 1 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है, और 1.1 HP का 2-स्ट्रोक इंजन है। तो इसके अंदर ऑयल डलता है, टूटी ऑयल पेट्रोल के साथ में, और ये 1 लीटर पेट्रोल के अंदर आपका 5 से 6 बीघे के अंदर स्प्रे कर देता है आसानी से दवाई को। और तो अब बात करें इसके प्राइस की, तो ये है इंजन वाला जो स्प्रे पंप आप देख सकते हैं, इसका 5,500 रुपये इसकी MRP में अंदर हमने ख़रीदा है मार्केट से। तो इसका जो स्प्रेयर है वो काफ़ी हाई स्पीड से स्प्रे होता है और फास्ट होता है, यानी आप देखेंगे कि 10 मिनट के अंदर आप आधे बीघे या 20 मिनट के अंदर 1 बीघे के अंदर इसमें दवा स्प्रे कर सकते हैं। तो ये इससे फास्ट काम होता है, इसमें वजन अधिक है, और इसको हर कोई इसको स्टार्ट करके यूज़ नहीं कर सकता है। जिसका इसको एक्सपीरियंस है या अनुभव है या इसके बारे में जानता है वही इस पावर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकता है, यानी जो इंजन से चलने वाला है ये जो स्प्रे पंप आप देख सकते हैं, इसको बच्चे या महिला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको जो किसान भाई हैं वही इसको चला सकते हैं इंजन ऑपरेट करके। तो इसमें एक तो यही समस्या है कि महिलाएं भी दवा स्प्रे नहीं कर सकती हैं, जो बच्चे हैं, बच्चे यानी जो युवा किसान हैं उनमें भी कभी दिक्कत आती है, इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो काफ़ी झंझट हो जाते हैं और हर बार पेट्रोल की दिक्कत रहती है। तो आप दूसरे की बात कर रहे हैं, ये है हाई मार्क, आप देख सकते हैं नया पंप ख़रीदा है हमने, तो ये भी 20 लीटर का है। इसके अंदर ड्यूल पंप है, ड्यूल मोटर लगा हुआ है, ड्यूल पंप है, हाई स्पीड है इसकी भी, और ये भी आपकी 10 से 15 टंकी स्प्रे करने तक इसका बैटरी बैकअप देता है। और इसका वेट है 20 लीटर का, इसका अंदर पानी का टैंक है और 7 से 8 किलो मशीन का वेट है। तो वजन तो इसी के अंदर भी है लेकिन थोड़ा लाइट है ये इस इंजन वाले मशीन से। और इसको चार्ज करने के बाद, मतलब ये आप इसको 8 से 10 घंटे इसको चार्ज लगाएं और फिर इसे 10 से 12 टंकी इसका स्प्रे यूज़ ले सकते हैं, इसका बैकअप आपको मिल जाता है। तो इसको महिलाएं भी यूज़ कर सकती हैं, इसको एक स्विच प्रेस करने पर ये ऑन हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसका मैं आपको स्विच भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसके बैटरी इंडिकेटर हैं लो हाई, और ये देखिए आप यहाँ पर, और इसका ये चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पर इसके स्विच हैं, ये ड्यूल पंप है तो दो स्विच हैं, और ये इसका हाई लो का, ये देखिए ये इसको ऑन कर दिया है, ये इससे ऑफ हो जाएगा, इससे भी ऑन हो जाता है, ये देखिए। तो इसको जो युवा किसान हैं वो भी इसको यूज़ में ले सकते हैं, जो महिलाएं हैं और आपके एनीवेयर कोई भी इसका यूज़ आसानी से कर सकता है। तो इसमें और इसमें यही अंतर है कि इसको यूज़ करना आसान है और इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसके अंदर टूटी ऑयल मिक्स करके पेट्रोल डालना है फिर इंजन स्टार्ट करना है। कभी कभी जो स्पार्क प्लग होता है इसमें कचरा आ जाता है, या किसी कारणवश पेट्रोल में कचरा आने से इंजन स्टार्ट नहीं होता है, या काफ़ी झंझट रहते हैं। लेकिन जो बैटरी वाला जो पंप आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस बैटरी वाले पंप से फास्ट काम इस इंजन वाली मशीन से होता है। आप इससे 1 बीघे के अंदर दवा स्प्रे करेंगे तो मान लीजिए कि ये जो आपका इंजन वाला स्प्रे पंप है इसे आप 2 बीघे के अंदर दवा स्प्रे कर सकते हैं, यानी इससे डबल काम ये करेगा। लेकिन इसमें अच्छे खासे आदमी की आवश्यकता होगी, यानी हष्ट पुष्ट चाहिए, इसमें काफ़ी वजन है,
30-31 किलो से भी ज़्यादा है। इसको खेत में अपनी पीठ के ऊपर बांध के इसको चलना, फिर दवाई स्प्रे करना। तो मैं जब इससे दवाई स्प्रे करता हूँ तो मुझे काफ़ी थकान महसूस करती है। 8 से 10 टंकी स्प्रे करने के बाद बहुत थकान आ जाती है, फिर आगे कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। तो इसमें मेहनत अधिक है और आसानी से ये ऑपरेट नहीं होता है, और लेकिन इससे फास्ट काम जरूर हो सकता है आपका। अगर ज़्यादा एरिया के अंदर आपको 10 से 15 बीघे के अंदर दवाई स्प्रे करनी है तो इंजन वाला बेस्ट रहता है, और कम आका 2-3 बीघे में दवाई स्प्रे करनी है तो बैटरी वाला पंप अच्छा रहता है आपके लिए। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। इसको चलाना आसान है। इसको चार्ज करने के बाद महिलाएं भी इसका यूज कर सकती हैं, बच्चे भी इसको चला सकते हैं। बच्चे का मतलब 15-16 साल से ऊपर जो भी आपके किसान के बच्चे हैं, युवा किसान, नवयुवक, इसको चला सकते हैं। और बुज़ुर्ग भी जो अपने, अगर आप बुज़ुर्ग भी इसका इस्तेमाल करना चाहे बैटरी पंप का, तो भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यानी बहुत ईजी है, इसको कोई भी आदमी महिला इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इसको चलाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, इसको स्टार्ट करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ये कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है, इसमें स्पार्क प्लग में कचरा आ जाता है या और भी कोई समस्या आती है। तो इसलिए हमने एक और ख़रीदा है, ये नया, ये 3000 का है और ये 5000 का है, और ये थोड़ा लाइट है, ये थोड़ा हेवी है। और इसका 1 लीटर पेट्रोल में 10 बीघे में दवाई स्प्रे कर सकते हैं, वो भी आप 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर। ये काफ़ी फास्ट स्प्रे करता है, जैसे अपना ट्रैक्टर ऑपरेट जो मशीन होती है स्प्रे, उस तरह से ये भी इसका नोजल काम करता है। और प्रेशर सेम है, अपना जो ट्रैक्टर ऑपरेट जो दवाई स्प्रे मशीन होता है उसी की सेम पोजिशन में ये चलता है, मतलब उतना स्पीड से ये भी कार्य करता है। और ये थोड़ा लो स्पीड में काम करता है, इसका जो प्रेशर है वो इसके मुकाबले काफ़ी कम है, और इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसका जो बैटरी बैकअप है 8 से 10 टंकी इसके आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा वाला स्प्रे पंप आपको अच्छा लगा और किसान को कौन सा खरीदना चाहिए। अपने सुझाव ज़रूर कमेंट में माध्यम से आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि सारे किसान भाइयों को उनके फ़ायदे मालूम हो सकें। और जब भी किसान भाई कोई नया स्प्रे पंप खरीदे तो पहले ये वीडियो देखने के बाद वो अच्छे से समझ जाएगा कि कौन सा वाला स्प्रे पंप खरीदना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट में लिख के भेजिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दे। यहाँ तक वीडियो आपने देखा, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे एक लाइक। तो मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।